आज एक साथ चार आईपीओ की लिस्टिंग थी, जिसमें से कृष्णा डायग्नोस्टिक एक ऐसा शेयर है फ्रेंड, जो कि हमको यहाँ से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले आधे वैल्यूएशन पर आया है। और उसका मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो फ्रेंड्स, अभी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की रेवेन्यू 1000 करोड़ है और उस कंपनी का प्राइस 15000 करोड़ है, यानी कि रेवेन्यू से 15 गुना प्राइस है। और डॉक्टर लाल पाथ का भी इसी तरीका है, मगर यहाँ पर कृष्णा डायग्नोस्टिक का ऐसा है कि अभी 400 करोड़ के आसपास की इसकी रेवेन्यू है और इसका प्राइस महज 8 गुना ही है रेवेन्यू से, तो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले आधे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 1400 रुपये के आसपास के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इसको हम करंट प्राइस पर से भी बाय कर सकते हैं और एक दो दिन में अगर यह शेयर हमको निचले लेवल पर मिलता है तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी जो भी नए रिटेल इन्वेस्टर है वो आईपीओ के जरिए मार्केट में आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि उसको आईपीओ मिलता है तो वो थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन लेकर उसको बेचकर निकल जाते हैं। तो उसके प्रेशर की वजह से अगर इस शेयर में हमको निचले लेवल देखने को मिलते हैं तो वहां पर भी इस शेयर को बाय किया जा सकता है और यह शेयर अगले आने वाले लॉन्ग टर्म पीरियड में मल्टी बैगर साबित होने वाले। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मल्टी बैगर शेयर कब बनता है, तो जिसकी रेवेन्यू या फिर बिजनेस साल दर साल लगातार बढ़ता ही रहता है वो शेयर मल्टी बैगर बनता है। और ये मेरा ऐसा मानना है कि ये शेयर अगले आने वाले 3 से 5 साल में बहुत ही बड़े रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि अभी 1000 रुपये के आसपास के लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ये 3 साल में 3000 रुपये के भी प्राइस दिखा सके। और उसका रीज़न ये है, एक तो ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले आधे वैल्यूएशन पर है और दूसरा कि ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो ग्रोथ रेट है वो अगले आने वाले दिनों में भी बरकरार रहने वाला है। तो इस लिहाज से अगर ये शेयर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली करंट प्राइस पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न के लिए।